बहू बहू, अरे थोड़ा सा चाय और तो दे दो, पता नहीं मर जाऊं। थोड़ी सी चाय दी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं मुझे कप भर के चाय दिया करो या मेरे वो गिलास में चाय दिया करो, पर ये मरजावा सुनती ही नहीं है। माँ जी, अब की बार मैं भर के चाय दी हूँ आपको, ये देख लीजिए। और फिर मुझे दूसरा काम भी तो है, मैंने आपको एक बार चाय दे दिया, पी लो। और फिर मुझे और काम भी तो करना है माँ। एक बार चाय पी लेता है, डॉक्टर ने आपको मना किया है कि बार बार चाय नहीं पीना, इनको सिर्फ 2 बार चाय देना। हाँ आप ठीक है, तो जंगल चोर हो गई है। जरा सा कहते हैं कि चाय हमको भर के दो, जब हमारी चाय बहुत ज्यादा पीने की है तो बहुत जंगल चोर है। सोचती है कि एक बार चाय बना के दे दें और फुर्सत हो जाए, और नहीं सोचती तो डॉक्टर का नाम लगा देती है जो है। वैसे चाय बहुत अच्छी बनाती है, पर चिल्लाती बहुत ज्यादा है। अरे हमारे जमाने में तो हम इतना काम करते थे, खेत का काम भी कराते थे, घर का भी समेट लेते थे, और नान नान गदेल रहे हैं, बहू का दूध पिया के खवा पिया के स्कूल भेज देते रहे। आजकल की बहुओं को तो न जाने कितने जौन है काम रहते हैं, बस आजकल तो सब सुविधा है, गैस है, अरे जल्दी जल्दी खाना बना लेती, दरे दरे नल लगा हुआ है। हमें तो बहुत दूर पानी भरे जाक होत रहा है, जो है सड़क के किनारे हमारे पानी भर के हम मुड़े पे गगरा लाइके और हिया लाइके कांधे पे बहनी बांध के तब हम आवत रहे हैं। सुने बहनी, अब आजकल की बहुओं का दरे दरे रसोइया में जो है नल लगे हैं, तब वो इन्हें बहुत काम राहत है जौन है। इन्हें जब मोबाइल से और फैशन से जब फुर्सत मिले तब तब। अरे ये एक बार बहनी चाय बनावे का हम कह दी ने, अब भैया वो कहा थी कि डॉक्टर का नाम लगा दी। बताओ हम चंगा हैं एकदम जो है, और इन्हें बनावे ना पड़े यही से आ बहनी जो है, कह देती है कि डॉक्टर मना करे है जो ने हम 2 बार 3 बार चाय ना मांगी जो है। अरे हमार लोग के सास ससुर रहे हैं, बढ़िया रोटी ढेर ढेर खात रहे हैं, बनाए बनाए के देत रहे हैं जो ने। अब आजकल इनके लोग के बहनी नक्शे राहत है जो है, और कुछ नहीं रहा, और अपना बस तुरंत बना लेकिन बढ़िया मैगी चाउमीन खाई खाई अपना बिस्तर में ओलरी रहती हैं, और हमारे लोग के कच्ची कप चाय बनावे में इन्हें आफत रहा था जो है। खुद तो परेशान करती रहती है, इतना काम हमारे पास रहता है। अरे पहले के जमाने की जो है बुढ़िया लोग क्या करती थी, रोटी हाथ पो 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 करके आलू घोर दिया, चटनी बना दिया, उसी से अपने आदमी को दे दिया खा करके। हम लोगों को तो बच्चे जैसे बन खाते हैं वैसे ही हम लोगों को खाना बनाना पड़ता है। बताइए कितने काम रहते हैं आप, और ये लोगों को तो बस ऐसे ही लगता है, ये लोग अपने ज़माने का जो है गाती हैं। अरे उस ज़माने में, आजकल के ज़माने में कितने काम रहते हैं, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ये करो वो करो, वो उसको ऐसी सब्जी बना के दो, उसको ऐसे करके दो, कितने काम रहते हैं। अरे हम लोग सारा दिन काम इतनी जल्दी कर लेते, उसके बाद तब हम लोग मोबाइल में लगते हैं। पर हाँ ये आजकल की जो बुढ़िया होती है ना, वो अपने ज़माने की ही चलाती रहती हैं। वो सोचती हैं जैसा हम करेंगे वैसे हमारी आने वाली बहू भी करे, तो क्यों करें, उनके ज़माने में क्या था हमारे ज़माने में क्या है, चलती हैं चुप मार के बुढ़िया लोगों को बैठ के खाना खाता नहीं बनता है। भैया ये लोग पता नहीं अपने सास को बना खाना दिए हैं कि नहीं दिए हैं, और हम लोग को कम से कम घरे घरे खाना दे रहे हैं, इनको तो ये समझना चाहिए। सही कहा कि नहीं?